जर्सी का इंटरवल हो चुका है और इस फिल्म का मैं मिड रिव्यू आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। तो ये मिड रिव्यू जो है ना भाई, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने जर्सी का ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, यानी कि जिन लोगों ने इस फिल्म को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे देख लिया है, यानी कि जो नानी की सुपर डुपर हिट फिल्म थी जर्सी, अगर आप लोगों ने उस फिल्म को देखा है तो भाई ये मिड रिव्यू आपके लिए नहीं है भैया। ये मिड रिव्यू उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक जर्सी को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा है और वो इस फिल्म को केवल शाहिद कपूर की वजह से देखने आ रहे हैं। तो भाई उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भैया अभी तक जो परफॉर्मेंस किया है इस फिल्म में शाहिद कपूर ने, वो मैं कहना चाहूँगा कि भैया आउट ऑफ द बॉक्स है। यानी कि जो उम्मीदें थी हमें शाहिद कपूर से कि भैया वो इस रिमेक फिल्म के माध्यम से लोगों के गिले शिकवों को साफ कर देंगे, ये कहते हुए कि भाई भले ही ये फिल्म एक रिमेक मूवी है लेकिन उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं है, यानी कि इस फिल्म में उन्होंने अपना 100% देने की कोशिश की है, ये बात मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा। यानी कि मिड तक ये फिल्म तो सुपर से ऊपर है और भाई जर्सी की कहानी इतनी बेहतरीन है कि इसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। और ये फिल्म मुझे पहले से पसंद थी मेरे भाई, और मेरा जॉब है हर फिल्म को देखना और फिल्म को देखने के बाद अपना रिव्यू आप लोगों के सामने रखना। और मैं इस फिल्म को खास तौर पर इसलिए देखने आया हूँ कि भैया इस फिल्म में शाहिद कपूर ने काम कैसा किया है, क्योंकि मैं उनकी एक्टिंग का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। और उनको लेकर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनको रीमेक फिल्में नहीं करनी चाहिए, उनको ओरिजिनल फिल्मों के माध्यम से सिनेमाघर में आना चाहिए। लेकिन भाई अब उनको जैसी फिल्में इन दिनों मिल रही है तो इसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन हाँ उनकी गलती एक है कि उनको थोड़ा सा रीमेक फिल्मों से दूर हटना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक फिल्म बहुत ही अच्छी लग रही है और नो डाउट भाई ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। तो फिल्म चालू हो चुकी है, मैं अंदर जा रहा हूँ, फिल्म को देखने के बाद मैं फाइनल रिव्यू आप लोगों के सामने रखूँगा कि शाहिद कपूर ने फाइनली इस फिल्म में कैसा काम किया है।